भाइयों बहनों, अलीगढ़ प्रदेश का एक प्रमुख जनपद और महानगर है। अपनी इसकी एक पहचान है। पौराणिक काल से लेकर के देश की आजादी की लड़ाई के दौरान अग्रणी भूमिका में अलीगढ़ ने सदैव नेतृत्व प्रदान किया। आजादी के बाद अलीगढ़ ने प्रदेश में और राष्ट्रीय नेतृत्व स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान करने के लिए सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अलीगढ़ के विकास के लिए अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं, और G20 के उन देशों का अगले एक वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर क्षेत्र मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश ने उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है,
जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए। विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बनकर के देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2017-18 से 2017 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त, आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरप्रस्ती प्राप्त होती थी वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया, आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज नए उत्तर प्रदेश में आस्था का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी, गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था, कोई आता था देख करके वह बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया, लखनऊ को, वाराणसी को, गोरखपुर को प्राप्त हो गया, आगरा को प्राप्त हो गया। ऐसे ही रैंकिंग में हम भी अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया, कोरोना कालखंड आपके सामने उदाहरण है। कोई भी बीमार रहा होगा, फ्री टेस्ट सबका है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा नहीं देखी गई। कोई व्यक्ति रहा हो उस व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी गई, उसको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन की सुविधा दी गई और हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन हो या फिर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत दी जाने वाले विद्युत के फ्री में कनेक्शन की सुविधा, आयुष्मान भारत का कार्ड हो या स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन की सुविधा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे घर है उस गांव में उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी देने का कार्य कोई कर रहा है तो डबल इंजन की सरकार कर रही है।
और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी प्रबुद्ध जनों से यही अपील करने के लिए आया हूं, आपने परिवर्तन की बाहर डबल इंजन की सरकार को देखा है, और जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई ही स्थानीय सरकार आएगी भाइयों बहनों, तो ये परिवर्तन जनता की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जाती है। खास तौर पर सड़क है, बिजली है, स्वच्छता का है, स्ट्रीट लाइट का है। आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती थी बेतरतीब हेलोजन लगे रहते थे, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। आज आप जाइए किसी भी महानगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछली सरकारों ने तो बिजली देनी बंद कर दी थी, इसलिए उनके लिए स्ट्रीट लाइट का कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि जब बिजली नहीं आएगी तो लाइट जलेगी कैसे, वे बिजली नहीं देते थे, लाइट जलती नहीं थी, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि ये सब एक जैसी लाइट लग जाएगी तो इसका प्रभाव होगा। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी कलर की, दुधिया कलर की आपको पूरे महानगर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अब केवल बड़े बड़े महानगर ही नहीं, छोटे छोटे नगरों में भी और गांवों में भी एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें न केंद्र को पैसा देना पड़ा, न राज्य को पैसा देना पड़ा, न स्थानीय निकाय की संस्था को पैसा देना पड़ा। ये बिजली की जो बचत हुई हैलोजन से, उस पैसे से, बचत पैसे से ये लाइट लगी हुई है, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। यही है, हम पैसे बचत भी करते हैं, जनता को बेहतर सुविधा भी देते हैं, और यही तो कार्य है जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से जो कार्य हुआ। पटरी व्यवसायियों को कोई पूछता ही नहीं था, पहली बार पीएम स्वनिधि बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक पटरी व्यवसायियों के हितों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज फ्री लोन की सुविधा दी, और डिजिटल पेमेंट के साथ उन्हें जोड़ करके उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया। कोई सोचता था गरीबों के लिए आवास मिलेगा? अब तक हम उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करा चुके हैं, 2 करोड़ 70 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। और भाइयों बहनों, अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा 8,62,000 से अधिक आवास फिर से आ गए हैं, जिसे हम गरीबों को वितरण करने जा रहे हैं, यानी हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराने का पुख्ता व्यवस्था ये भी किया गया है। 2 करोड़ युवाओं के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये नौजवानों को उत्तर प्रदेश के जो सिटी ही स्मार्ट नहीं होगी, हमारा युवा भी स्मार्ट होगा, और उस युवा स्मार्ट नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था के साथ साथ उसके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हर एक जनपद के अंदर फ्री में, और इस बार तो अभ्युदय कोचिंग में उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा संपन्न हुई उसमें 43 नौजवान केवल अभ्युदय कोचिंग में, जिन्होंने कोचिंग की थी वहां से वो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी आप देख रहे होंगे आज नौकरी के लिए सेफई खानदान वसूली के लिए नहीं आ सकता है, नहीं तो पूरा खानदान, मां भारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे, कहीं चाचा जाता था, कहीं भतीजा जाता था, कहीं कोई और जाता था, और पूरे प्रदेश में नौकरी के नाम पर वसूली करते थे। आज भाइयों बहनों, उनकी छुट्टी, आज तो प्रदेश के नौजवान को, उत्तर प्रदेश के नौजवान को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से जो निवेश हुआ है उसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया है,
और बैंकों के साथ तालमेल करके 60 लाख नौजवानों और उद्यमियों को हमने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। ये निरंतर चल रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी परसों 71,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के कार्ड वितरित, नियुक्ति पत्र वितरित किए। 10 लाख नौजवानों का अग्निवीर के रूप में भर्ती की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 10 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी भारत सरकार देने जा रही है। अब भेदभाव नहीं, हर नौजवान को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप नौकरी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अलीगढ़ में तो इतना पोटेंशियल है, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, ये लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब, ये आसपास का क्षेत्र बनेगा, लाखों नौजवानों को नौकरी वाला तो ये क्षेत्र अकेले बन जाएगा, लाखों नौजवानों के लिए। उसके लिए तैयारी करें, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। हम लोगों ने फरवरी में एक बड़े विराट इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लखनऊ में आयोजित करने के लिए तैयारी प्रारंभ की है। हमारी टीमें जा रही हैं, हम उसका पोर्टल लॉन्च कर चुके हैं, कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। हमारे लिए कोई व्यक्ति निवेश करता, वह स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, कन्वेंशन सेंटर में हो, उद्योग लगाने को लेकर के हो, कहीं भी वह निवेश करता है, किसी भी कार्य में करता है, हमारे लिए वह स्वागत योग्य है। हम उसको भी सुरक्षा देंगे, उसकी पूंजी की सुरक्षा भी देंगे, और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, वैसे ही प्रदेश में भाइयों बहनों आज के दिन पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है, और उसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। एक, सभी उद्यमी, सभी व्यापारी, सभी चिकित्सक, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, वह निवेश के उस अनुकूल वातावरण को अपने जनपद में बनाने की तैयारी करें। अलीगढ़ में हार्डवेयर के लिए विख्यात है, इतना अच्छा हार्डवेयर का कार्य यहां पर है, केवल ताला ही नहीं बल्कि अब तो डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड यहां बन रहा है, यहां के स्किल को देखते हुए कि यहां पर हम बड़े से बड़े सेना से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आयुध के लिए भी उस प्रकार के आइटम अकेले अलीगढ़ बनाने की क्षमता रखता है, और उसके लिए उस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर को बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर को विकसित करने के लिए, या उस प्रकार के उद्यम को यहां पे लगाने के लिए आज आप सबको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने यहां पे जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बना रहे हैं, उसका सत्र यद्यपि प्रारंभ हो गया, लेकिन विश्वविद्यालय जब अपने भवन में जाएगा इस वर्ष के अंत में, तो भाइयों बहनों मैं आपका आह्वान करूंगा कि विश्वविद्यालय में हम डिफेंस स्टडीज का भी एक अलग से कोर्स पाठ्यक्रम वहां पर प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि हम लोग अभी से अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए आवश्यक होगा, आपने केंद्र और राज्य सरकार को देखा है, स्थानीय निकाय संस्थाओं में भी जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए, अगर हम व्यवसाय के लिए, सुगमता के लिए अच्छी कानून व्यवस्था दे रहे हैं, हमने वहां पर निवेश मित्र पोर्टल दे दिया है, इंसेंटिव के लिए भी हमने एक पोर्टल बना दिया है, तो भाइयों बहनों हर व्यक्ति के जीवन में बुनियादी सुविधाओं से उसे आच्छादित करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए राज्य और केंद्र की सरकार के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में उसी विचारधारा की स्थानीय बोर्ड गठित होगा, तो भाइयों बहनों इसे प्राप्त करने में और प्रदान करने में भी और आसानी हो सकती है, और इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं अलीगढ़ में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक महीने पहले तो मैं आया ही था, लेकिन प्रबुद्ध जनों के साथ सीधे संवाद हो सके, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आप सभी लोग मिलकर के इन सभी संस्थाओं के कार्यक्रमों को और आसान बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें,
आज यहाँ पर लगभग 76 करोड़ रुपए की कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन करते हुए उनका आह्वान करूंगा कि वे डबल इंजन सरकार के इस विजन को और इस मिशन को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे और अलीगढ़ को विकास के एक नए उभरते हुए गंतव्य के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने में अपना योगदान दें। इस विश्वास के साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।